गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। सो दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और दोस्तों, अप्लाइड केमिस्ट्री में हम लोगों का चल रहा है पॉलीमर यानी कि बहुलक, और बहुलक में ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 है दोस्तों। मैं 4 जो लेक्चर है प्रोवाइड कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ करके उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लेक्चर 3रा और जो लेक्चर 4था है उन्हें ज़रूर करके देखिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है दोस्तों। और आज का वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। ये जो पॉलीमर होते हैं, क्या इनका डेफिनेशन रहेगा, कैसे इनको हम पहचानेंगे, कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। सो ये हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। सो चलिए इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि जो पॉलीमर है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो हमने ये चारों टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। बहुलकों का क्लासिफिकेशन हम लोगों का चल रहा है, जिसमें से हमें दो तरीके से क्लासिफिकेशन जो है पढ़ना था। पहला संश्लेषण के आधार पर यानी सिंथेसिस के बेस पर, और दूसरा था हमारा आणविक बल के आधार पर, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर। तो सिंथेसिस के बेस पर हमने दोनों के दोनों पढ़ लिए हैं, पहला एडिशन दूसरा कंडेंसेशन, ये हमने दोनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये मैंने सारे आपको बनाना बताया था, और इसके बाद जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने आपको नायलॉन 6-6 और बैकेलाइट ये भी बनाना बताया था बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। और आज हमें देखना है आणविक बल के आधार पर यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर, ठीक है ना। यानी कि जो भी हमने अभी तक ये पॉलीमर्स दोस्तों पढ़े हुए हैं, तो इसमें से अगर हम जो है मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर क्लासिफाई इनको करें, तो कैसे करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे इनमें से कि कौन सा हमारा थर्मोप्लास्टिक है, कौन सा हमारा थर्मोसेटिंग जो है बहुलक है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर दो तरीके के होते हैं, पहला थर्मोसेटिंग और आपका थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो हेडिंग मैंने लगा रखी है यहाँ मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर यानी आणविक बल के आधार पर। तो दो तरीके का होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। पहला होता है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक, थर्मो प्लास्टिक, ठीक है ना, थर्मो प्लास्टिक, ओके। और जो दूसरा है वो है आपका थर्मो सेटिंग, ओके, थर्मो सेटिंग, ओके, समझ गए। पॉलीमर आप ऐड कर लेना, थर्मो सेटिंग बहुलक, थर्मो प्लास्टिक बहुलक, वो आप ऐड करते रहना, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में आपका लिख दिया, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर दो तरीके का होता है आपका पॉलीमर, ठीक है। चलिए अब लगाइए पहला हेडिंग, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों ये पूछा गया है क्या होता है थर्मो प्लास्टिक, क्या होता है थर्मो सेटिंग, ठीक है ना। इनको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, और जो ये चैप्टर है ना दोस्तों आपका पूरा पॉलीमर, ये आपका सिविल स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसमें भी मिसलेनियस मटेरियल्स के नाम से एक चैप्टर है आपका, शायद लास्ट चैप्टर है उसमें ये आपका जो है रहता है, ठीक है ना, पॉलीमर्स। तो वहाँ भी अगर आप इसको यहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहाँ काफ़ी यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे सिविल और मैकेनिकल की दोनों, ठीक है, दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स, तो ये आपको वहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, आगे के लेक्चर, सॉरी आगे के आपका सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है ना। जो आपका एक सब्जेक्ट है दोस्तों सॉम, या हम कह सकते हैं मॉस, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये आपका एक सब्जेक्ट है। तो वहाँ भी आपको थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग ये जो है पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी से पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस बार तो इम्पोर्टेंट है ही, आगे इन फ्यूचर भी बहुत यूज ही आपके रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। आपका जो थर्मोप्लास्टिक बहुलक होगा ये क्या होता है, चलिए इसको मैं समझाता हूँ। देखिए थर्मो प्लास्टिक्स, ठीक है, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे हम लोग। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होगा, तो दोस्तों जितने भी पॉलीमर्स अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अभी मैंने आपको पॉलीथीन पढ़ाया, बैकेलाइट पढ़ाया, नायलॉन 6-6 पढ़ाया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पढ़ाया, ठीक है ना,
टेट्राफ्लोरोएथिलीन पढ़ा है, बहुत बहुत आपके पॉलीमर्स में पढ़ा चुका हूँ। तो अगर उनमें से उन्हें हमें कह सकते हैं दोस्तों आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक होगा, कौन सा थर्मोसेटिंग होगा, तो हम क्या करेंगे, उन पॉलीमर्स को गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो थर्मोप्लास्टिक जो रहेंगे उनको जैसे ही हमने हीट दी, यानी कि जब हमने गर्म किया, तो वो क्या हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आप जब उन्हें गर्म करेंगे तो वो नरम हो जाएंगे, और जब वो नरम हो करके अगर आप उन्हें ठंडा फिर से कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ठंडा, तो जब ठंडा करेंगे तो वो फिर से आपके कठोर हो जाएंगे। ध्यान देना, ये होता है थर्मोप्लास्टिक में, जो भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आपके रहेंगे उन्हें अगर आप गर्म करते हैं तो गर्म होने पर जैसे ही उन्हें हीट मिलेगी तो वो नरम हो जाएंगे, और जैसे ही उन्हें आप ठंडा करेंगे तो वो कठोर हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो ये होती है थर्मोप्लास्टिक की पहचान, समझ रहे हैं दोस्तों इतनी चीज़ को। डेफिनेशन देखिए यही लिखना है, कुछ आपको रटना वटना नहीं है, ठीक है। मेरा तो यही कहना रहता है कि रटिए मत किसी चीज़ को, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जो चीज़ रियल में होती है वो लिखिए, ठीक है ना। किताब में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, ठीक है, और आपको इसको प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है ना, और आपके बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं अगर आप ऐसा लिखते हैं तो, ठीक है। और ये चीज़ आप कभी भूलते नहीं, अगर आपने उसको प्रैक्टिकली लिखा है या उसको समझा है तो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन किताब का रट करके जाएंगे तो आई श्योर कि आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक वे बहुलक होते हैं जिन्हें गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, वो नरम हो जाते हैं, और नरम होने के बाद अगर हम उनको ठंडा कर दें तो वो हमारे कठोर हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। और दोस्तों इनकी एक खास बात और होती है कि आप जो भी प्लास्टिक आपके पॉलीमर रहेंगे इनको गर्म करके आप नरम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई पॉलीमर आपका इस शेप का है, ठीक है ना, कोई आपका स्क्वायर शेप का कोई थर्मोप्लास्टिक है आपका पॉलीमर, तो इसको जैसे ही आपने गर्म करा, हीट दी, तो ये आपका नरम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो फिर आप इसको किसी दूसरे शेप में ढाल सकते हैं, मान लीजिए मुझे इसका ट्रायंगल बनाना है तो मैं इसको बना सकता हूँ इस पॉलीमर से, तो ये भी इसका एक खासियत है इस आपका पॉलीमर का, ठीक है, मतलब कि इसको हम गर्म करके किसी दूसरे आकार में ढाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पॉलीमर जो गर्म करने पर नरम हो जाएं और नरम करने के बाद हम उनको किसी दूसरे आकार में ढाल सकें, ठीक है, और ठंडा होकर के फिर से ये क्या हो जाए, कठोर हो जाए, मतलब उसका रूप ले ले, तो ये आपका थर्मोप्लास्टिक कह सकते हैं पॉलीमर होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये गर्म करने पर नरम क्यों हो जाता है, तो दोस्तों जो भी इस पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच जो भी आपका कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो कार्य करता है बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए ये आपके गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इनके बीच का जो भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अब हम फोर्स की बात करें तो बाउंड्री वॉल्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो वही जो फोर्स है आपका बहुत कम हो जाता है जिसके कारण ये नरम हो जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही ठंडा कर दें तो फिर से कठोर हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो बहुलक होंगे उन्हें हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। तो इतना आप लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है ना, रटना नहीं है आपको। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आप दोस्तों यहां पे लिख सकते हैं पॉलीथीन, आपने देखा होगा कि जो पॉलीथीन आती है उसे हम गर्म करके किसी दूसरे आकार में ढाल सकते हैं, ठीक है, तो आप लिख लीजिए पॉलीथीन, लिख लीजिए पॉलीथीन, करेक्ट, और भी आप लिख सकते हैं पॉलीस्टायरीन, लिख लीजिए पॉलीस्टायरीन, इसको भी आप गर्म करके दूसरे आकार में ढाल सकते हैं, ठीक है, आप लोग पीवीसी लिख सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो आई होप अब तो समझ में आ ही गया होगा थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ठीक है, गर्म करा नरम हो जाएंगे, ठीक है, नरम हो गए तो किसी दूसरे आकार में इनको ढाल दो, ठीक है ना, समझ गए। और क्या होगा, और फिर से ये ठंडे होकर के अपना कठोर हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और दूसरा रूप ले लेंगे जिस रूप में आप इनको बनाना चाहेंगे, ठीक है। चलिए अब आप सेकंड समझिए, थर्मो सेटिंग, थर्मो सेटिंग पॉलीमर, ओके। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होंगे, तो यही काम आपको इस पॉलीमर के साथ भी करना है, क्या करना है, हीट देना है तुरंत। क्या करेंगे, इन पॉलीमर्स को लिया हमें, हमें पता नहीं है कौन सा पॉलीमर है, ठीक है, अब चेक कर रहे हैं हम, तो हमने लिया, हीट दी उसको, क्या किया, उसको गर्म किया, तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे दोस्तों तो ये मेल्ट तो होगा, पिघलेगा तो, लेकिन पिघलने के बाद ये जल जाएगा,
जलकर राख हम कह सकते बनेगा, जलकर राख बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये एक बार फाइनली चेंज होगा, इसके बाद आप इसको दूसरे रूप में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब एक बार जलाएंगे तो ये जल करके आपका राख बन जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको दूसरे शेप में चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। पिघलेगा और ये जल जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये आपका क्या कह सकते हैं, आपका टोटली चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है ना। टोटली चेंज हो जाएगा, यानी जिसे हम कह सकते हैं पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन, या कह सकते हैं पूर्ण रूप से परिवर्तन ये हो गया। अब इस फॉर्म से ये किसी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होगा। जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको गर्म करेंगे तो नरम होगा, नरम होने के बाद उसको फिर से ठंडा कर देंगे तो फिर से कठोर हो जाएगा और एक रूप से दूसरे रूप में ढाल सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इतना आप इसमें लिख सकते हैं थर्मो सेटिंग पॉलीमर में, जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनको अगर हम गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जल करके राख बन जाएंगे और हम कह सकते हैं कि ये अपना पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाते हैं। इनका जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में ये थे, ठीक है ना, किसी रूप में तो ये होंगे ही होंगे, कोई ना कोई इनका शेप होगा, और अगर इनको हम जलाएंगे तो जल करके, ठीक है, ये राख बनेंगे, टोटली ये चेंज हो जाएंगे। इनका जो फॉर्म है, इनका जो रूप है, वो टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं थर्मो सेटिंग में, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। मैंने कल आपको बैकेलाइट बताया था, ठीक है, बैकेलाइट बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इसके लिए, ठीक है, समझ गए। जो भी आपका लाइट बोर्ड आता है आपने देखा होगा, आपके रूम में लगा होगा, उसको जलाइएगा तो जल करके वो काला काला होकर के राख बन जाएगा, ठीक है ना। फिर आप उसको दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बैकेलाइट से ही बना होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ थर्मो सेटिंग और आपका थर्मो प्लास्टिक, ठीक है। थर्मो सेटिंग मतलब एक बार सेट हो जाएगा बस, थर्मो सेटिंग मतलब एक बार सेट हो गया तो बस, फिर दूसरे रूप में चेंज नहीं कर सकते, ऐसे याद कर लेना। कन्फ्यूजन अगर होती है तो थर्मो सेटिंग मतलब एक बार सेट हो गया तो फिर नहीं वो बदलने वाला, ये होगा थर्मो सेटिंग में, ओके। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे आपका कह सकते हैं डिफरेंस लिखने के लिए आता है आपका, कि जो है थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग में अंतर लिखिए, ठीक है ना, समझ गए। तो आप इनके बीच डिफरेंस भी लिख सकते हैं, पहला तो इनका डेफिनेशन लिख दीजिए ना, ठीक है। क्या लिख दीजिए, एक बार डेफिनेशन लिख दीजिए। अगर दोनों के बीच आपको डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है, तो अंतर आप कैसे क्रिएट करेंगे, दोनों का डेफिनेशन लिख देना। थर्मोप्लास्टिक में क्या लिखेंगे, थर्मोप्लास्टिक में आप लिखेंगे कि ये ऐसे बहुलक होते हैं, अगर इनको एक बार गर्म कर दिया जाए तो गर्म होने के बाद ये नर्म हो जाते हैं, ठीक है, ये एक इसमें पॉइंट हो गया। थर्मोसेटिंग में क्या लिखेंगे, इनको एक बार गर्म करने पर ये नर्म तो होते हैं लेकिन अपना टोटली चेंज हो जाते हैं, मतलब फिर उससे हम दूसरे रूप में चेंज नहीं कर सकते, जबकि थर्मोप्लास्टिक को हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, उसको पिघला करके गर्म करके, क्योंकि वो नरम हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बैकेलाइट मतलब आपका थर्मोसेटिंग ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल आप लोग लिख देना थर्मोप्लास्टिक का, आपका थर्मोसेटिंग का, ठीक है, समझ गए। और आपका उसमें जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो कम होगा, इसमें आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें कि स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है, मतलब रेखीय, मतलब ऐसे कह सकते हैं रेखीय संरचना होती है, लीनियर इस तरीके से, ठीक है। और इसकी जो संरचना होती है वो क्रॉसबद्ध होती है, मतलब ऐसे बहुत सारी शाखाएँ बटी होंगी ऐसे, इस तरीके से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है क्रॉसबद्ध होती है ऐसे, ठीक है ना, जकड़ी हुई संरचना जिसे हम कहते हैं जालदार। आपको मैंने बताया था, देखिए बैकेलाइट, तो कुछ इस तरीके से उसकी संरचना थी ना ऐसे, मतलब बहुत सारी इस तरीके से जकड़ी हुई थी, ठीक है। अब मैं डिटेलिंग में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोचना सर क्या बना दिया, मैं बता रहा हूँ रफली ऐसे ही, एक जालदार संरचना थी ना, मतलब जैसे मधुमक्खी का आपका छत्ता होता वैसे कुछ करके, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पॉलीमर चैप्टर है आपका कंप्लीट हुआ टोटली, ठीक है। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जो चीज़ें आपकी यहाँ से बन रही थी वो मैंने लगभग आपकी कवर करा दी, ठीक है ना। तो आप इतना ही अगर पढ़ के चले जाते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपका यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ओके। सो ये जो पॉलीमर चैप्टर है आपका लगभग अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। जितना पढ़ा दिया आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ओवर स्टडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप चाहते हैं इस चैप्टर में और अलग से पढ़ना, बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। जितना मुझसे हेल्प हो रहा था इस चैप्टर में मैंने कर दिया टोटल, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर तो मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा आपका। जो सिलेबस में दिया था वो मैंने कवर करा दिया, ठीक है। हालांकि दिया तो बहुत सारा है, आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा इसमें दिया है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों लेक्चर को यही एंड करते हैं, और यूजेस ज़रूर इनके याद कर लेना, जो भी पॉलीमर हैं आपके,
ठीक है, इनके क्या क्या यूजेस हैं, मतलब क्या क्या इनके उपयोग हैं। देखिए मैंने हर एक पॉलीमर को बनाना बताया और उसके साथ ही उसके यूज़ भी आपको बताए हैं, ठीक है ना। अगर केवल यूज़ पूछे जाएँ तो आप सभी के यूज ऐड करके लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए सो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा वीडियो जरूर बता दीजिए, पसंद आया तो लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन चली रही है तो बढ़िया तरीके से स्टडी भी करिए, दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर भी करते रहिए, ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ओके दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।